हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो फाउंडेशन कोर्स के बुक्स होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारे जो बुक्स हैं वो इग्नो पे अवेलेबल नहीं है। इग्नो के बुक्स जो है वो टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है। तो हमें वो कोर्सेज के बुक्स कहाँ से मिले, तो अभी मैं आपको सारे बताने वाला हूँ कि फाउंडेशन कोर्स कहाँ से डाउनलोड करें और बाकी जो बुक्स है वो कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम पे जाना है, मोबाइल या कंप्यूटर जो भी आप यूज करते हो, गूगल क्रोम पे जाके सिंपली डालना है, सर्च करना है हमें इग्नो स्टडी मटेरियल। ओके, तो इग्नो स्टडी, सॉरी, इग्नो स्टडी मटेरियल। ओके, तो इग्नो स्टडी मटेरियल पे क्लिक करने पर ये देखिए हमें आ जाता है। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर जाना है। ओके, तो पहले पे हम जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये आता है कि नहीं। ये जो है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल के स्टेटस के बारे में मिलेगा, तो यहाँ पर नहीं जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ई ज्ञान कोर्स बारे में। ओके, यहाँ पर जाना है। वो छोटा सा जो ई ज्ञान कोर्स था ना, ये देखिए ई ज्ञान कोर्स लिखा हुआ है, तो जहाँ पर ई ज्ञान कोर्स लिखा होगा वहाँ पर जाना है। देखिए नीचे स्टडी मटेरियल आ रहा है, यहाँ पर देखिए इग्नो के बारे में जो सारे कोर्सेस है उसके आ रहे हैं। यहाँ पर हमें किस में जाना है, इग्नो बीए स्टडी मटेरियल। ये देखिए, अगर आप बीए कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, या आपको बीकॉम कर रहे हैं, जो भी सिलेबस आपका है, तो उसमें अगर हमें इग्नो बीए के स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो हमने इग्नो बीए क्लिक किया। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो सारे इग्नो बीए के जो कोर्सेस हैं तो उसके जो सारे बुक्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि फाउंडेशन कोर्स जो है उनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, कोई उड़िया में कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है, तो कोई मान लीजिए बंगाली लिया है अपना लैंग्वेज, या फिर ऐसा कुछ फाउंडेशन कोर्स जो है उनका स्टडी मटेरियल नहीं है। तो फाउंडेशन कोर्स के स्टडी मटेरियल कहाँ पर मिलेगा। फाउंडेशन कोर्स के स्टडी मटेरियल के लिए हम ये जो बीडीपी लिखा है, बीडीपी में जाएंगे, इग्नो बीडीपी स्टडी मटेरियल पे जाएंगे यहीं पर। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस। ओके, तो ये जो बीएसडब्ल्यू और बीटीएस है, ये दोनों में हमें जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स होता है थर्ड ईयर में, उसके स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और एक में हमें जो फाउंडेशन कोर्स है उसके भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो बीएसडब्ल्यू जो है उसमें हमें मिलता है जो बीएसडब्ल्यू में हमें फाउंडेशन कोर्स के नहीं मिलता है, तो बीएसडब्ल्यू में नहीं जाना है, हमें जाना है बीटीएस में। ओके, तो बीटीएस में जाएंगे तो हमें देखिए यहां पर देखिए कोई उड़िया का डाउनलोड करना चाहता है, अगर आप उड़िया का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए एफओआर होगा, एक में ये देखिए फाउंडेशन कोर्स इन उड़िया, फाउंडेशन कोर्स इन पंजाबी, फाउंडेशन कोर्स इन मराठी, कन्नड़, गुजराती, मलयालम। ओके, तो ये सब जो ये देखिए बीएसएचएफ 101 फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमन, तो सारे फाउंडेशन कोर्स के जो बुक्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो इस साइट में जाकर आप फाउंडेशन कोर्स के सारे वीडियोज डाउनलोड कर सकते हैं। तो याद रहा कहाँ से, इग्नो के बीडीपी क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको जाना है बीटीएस में। ओके, बीडीबी के बाद बीटीएस में। तो ऐसे अगले वीडियो में हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्रो।